अपने सपनों को उड़ा देनी है, अपने सपनों को उड़ा देनी है, कुछ बन सकूं ऐसी पहचान देनी है। जिस मंजिल में आज पहुंची हूं, उस इंसान की पहचान देनी है। स्पष्ट है जिस तरह पूरा जहां है उसी तरह टीचर्स भी हमारी जहां है। वेलकम अगेन टू चौहान कोचिंग क्लासेस दुर्गा एंड स्पेशल थैंक्स टू स्पेशल टीचर मिस्टर अमित सर। तो ये हमारे लिए कुछ इंस्पिरेशन के लिए या फिर हमारी हेजिटेशन को खत्म करने के लिए कुछ क्लासेस लगा रहे हैं, तो हम खूब मेहनत करेंगे कि हम इनकी जो कोशिश है वो उन्हें पूरा करने के लिए जितना बन सके उतना कर सके। तो आज हम अलग अंदाज के साथ यहाँ पे आए हैं, तो कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी हमारे बीच हैं जो अपने व्यूज आज एक्सप्रेस करेंगे हमारे बीच में, जैसे कि माधु बाला, सिमरन शर्मा, भूमिका भगत, कोमल शर्मा। तो हम जानेंगे कि जो इनके बीच में हेजिटेशन है, ये जानती है लड़कियां कि हमारे हमें जो हेजिटेशन है या फिर कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो रहा है, या फिर जागरूक करना है हमें उसे, कितना कुछ बन सकता है वो कर सकेंगे हमारे तरफ से। तो आज हम जानेंगे कि इनके व्यूज क्या है इस बारे में। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू इन्वाइट माधु बाला, तो उनके व्यूज क्या है इस बारे में, प्लीज वेलकम एंड टू हैव अ बिग हैंड्स फॉर हर। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, थैंक्स टू मिस नेहा काटल एंड स्पेशल थैंक्स टू अमित सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड इट्स माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज मधु, आई लीड इन 12th क्लास। टुडे माय टॉपिक अबाउट रेजिस्टेंस इन सीरीज, सो आई कैन डिस्कस। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज होता क्या है? जब एक रजिस्टर के एंड को कनेक्ट किया जाता है दूसरे रजिस्टर के साथ और दूसरे को तीसरे के साथ, उसको कहते हैं रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर। लेट R1, R2, R3 बी द थ्री रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, देन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3. From equation 1st and 2nd, IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. IR cancel, R is equal to R1 plus R2 plus R3. This is required expression for resistors connected in series. That's all. Thank you. So, thanks to Ms. Madhu Bala, जिन्हें यहाँ पे आके अपने views express किया हमारे सामने। तो हमें इनका टॉपिक खूब अच्छा लगा, तो इनके लिए जोरदार तालियां। मैं भी आपके सामने अपने व्यूज एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। तो टुडे माय टॉपिक इज वेन डायग्राफ जनरेटर। तो हम बात करेंगे कि वेन डायग्राफ जनरेटर क्या होता है। तो इट इज डिवाइस इन विच वी कैन एक्सीलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो इसका प्रिंसिपल जो है वो बेसिस खाली ओनली फॉर टू पॉइंट्स पे है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है चार्ज विल कम आउट फ्रॉम पॉइंटेड एंड्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक विंड। किसकी फॉर्म में है? इलेक्ट्रिक विंड की। और सेकंड कौन सा पॉइंट है हमारे पास, कि चार्ज गिव्स अस द हॉलो कंडक्टर एंड ट्रांसफर टू द आउटर सरफेस एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। तो इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि एक लार्ज स्फेरिकल शेल है, वो स्टैंड किस पे है, इंसुलेटर स्टैंड पे है, और जो ये इसमें टू पुलिस ली गई हैं, फर्स्ट आगे P1 और P2, ये कॉम C1 है और ये C2, जो कॉम C1 कनेक्ट किया गया है किसके साथ, HVR के साथ, और C1 से जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो किस पे जाते हैं C2, तो उसको स्प्रेड करता है, पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करता है आउटर सर्फेस पे। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पोटेंशियल इसका मैक्सिमम ना हो, और जैसे इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया तो उसके बाद जो इसके एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो हिट करते हैं टारगेट को। दैट्स ऑल। सो आई होप कि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा। तो मैं अब किसी दूसरे स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगी जिसका नाम है मिस भूमिका भगत। सो प्लीज वेलकम मिस भूमिका भगत एंड एक्सप्रेस योर टॉपिक। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, थैंक्स मिस नेहा काटल एंड स्पेशली थैंक्स फॉर अमित सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस सेल्फ। माई नेम इज भूमिका एंड आई रीड इन 12th क्लास। टूडे माई टॉपिक इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल।
कीजिए थर्ड एंड फोर्थ। खत्म होते हैं तो आप सबको ये सब टॉपिक सुन के खूब मजा आया होगा। तो हैव अ नाइस डे। मैं नेहा काटल।